क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव येल्लो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली। इस क्वेश्चन के अंदर येल्लो प्रेसिपिटेट का मतलब है आयोडोफॉर्म बनेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन है ये। नाउ सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जनरली देता कौन है। तो उसमें आप देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CHOH या फिर CH3CO ग्रुप, और उसके जस्ट बाद में अटैच होना चाहिए डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और इसमें भी जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोकार्बन ग्रुप। नाउ ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है CH3CONH2। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बजाय कौन आ गया, NH2 ग्रुप, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला। नाउ सेकेंड ऑप्शन में हम देखें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है और उसके बाद में जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये करेक्ट होगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बन, और इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन के अंदर अपन देखें तो CH3CO ग्रुप तो है और लेकिन उसके बाद में डायरेक्टली ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर होंगे, सेकेंड एंड थर्ड दोनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फिनाइल COCl और साथ में रिएक्शन कराई जा रही है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद BaSO4, तो ये तो करेगा काम कैटलिस्ट की तरह और ये रिएजेंट होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, एक तरह से ये रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। नाउ इस रिएक्शन के अंदर अपन देखें तो HOCl आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फाइनली क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन, और इसीलिए अपन देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट होगा C6H5CHO, यानी करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला।